तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक ट्रिग्नोमेट्री है, तो शॉर्ट में ट्रिको भी बोला यार। ट्रिग्नोमेट्री देखो ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसके राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे स्टडी करते हैं हम लोग, राइट एंगल। देखो जैसे मान लो कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है बी क्यू। नहीं। ठीक है, राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, और क्या आता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं एच सी कहते हैं। और इसमें एक एंगल भी होता है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं प्रकार भी, जो होता है वो बेस। आया था मंजिल। देखो जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल है बी, ठीक है, ये क्या है हाइपोटेनियस। अब की वजह थीटा यहाँ पे आ गया, देखिए तो जो बी सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाता है बेस, ये भी हो जाता है। तो हमें तो क्या देखना है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो गया आपकी एक्सिस, और थीटा के जो सामने वाली साइड है वो क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर, बाकी हो जाएगा बेस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को करने में, मतलब परफेक्ट है करने। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना थीटा। तो जो आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है, देखो साइन थीटा होता है, थीटा मतलब कोई भी एंगल, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस कोसेक थीटा, सेक थीटा थीटा और कॉस। कॉस थीटा ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस राइट एंगल एट बी और थीटा जो है ना सी के ऊपर। ठीक है, तो एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर। अब एसी क्या हो जाएगा, बी क्या है, सबको समझ में आया। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो ये है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, और साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस का कुछ रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस का कुछ रिलेशन है। अब वो क्या रिलेशन है उसके लिए हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ने हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, समझ में आया। तो साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत सारा बेस अपॉन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, सबको समझ में आया था। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा का उल्टा होता है बेटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टाइम टू इधर बोलता हूँ ना कॉस। ठीक समझ गए, नहीं समझे और इसकी एक और एप्लीकेशन होती है, पापा बीड़ी पियोगे हाँ बोलोगे आप लोग, ये बोलोगे मैं ये बोलूंगा। ठीक है, नहीं बोलो। ठीक है, बोल समझ गए, बोल दो बोल दो। हाँ ठीक है, पाकिस्तान हो गया हिंदुस्तान, बहुत सारे और भी अलग अलग बच्चों। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस साइड का और बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका हो जाएगा टेन का। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉस। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई व्यक्ति उसको इंसान को ना समझ में आया यहाँ तक किसी को भी, सबको आगे तो। हाँ ठीक है चलो, अब देखो बोर्ड के ऊपर ध्यान दें।
इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके पास एक्सरसाइज में, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, एबीसी का राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट यू, ठीक है। और हम लोगों को दे रखी है ए सी जो है 5 सेंटीमीटर और बी सी जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ साइन सी, ठीक है, कॉस सी, ठीक है, और टेन ए, और ठीक है, और भी फाइंड कर। तो साइन सी कॉस सी टेन ए और कॉस ए की सेपरेटली वैल्यू होगा करने फाइंड। बेटा साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। चल साइन सी, साइन सी साइन थीटा, सी मतलब एंगल, वहां पे यहाँ पे ये यहाँ पे कोई एंगल होगा, ठीक है। तो साइन सी साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, सी के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, एपी होगा। तो क्या एपी की वैल्यू पता है हमें? नहीं नहीं पता। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एपी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या सभी बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना आता है? यस ओके वेरी गुड, फिर भी एक बार देखो, देखो इन ट्राइंगल एबीसी एसी का जो स्क्वायर होगा बेटा वो होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, तो ये बात सही है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एसी की वैल्यू कितनी है? पाई, पाई का स्क्वायर है ना, हाँ एबी की वैल्यू पता नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू रहेगी 25 - 9 तो बेटा ए बी की वैल्यू हो जाएगी, देखो वैसे तो जब भी मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, लेकिन थीटा माइनस में कैसे आएगा? अभी नहीं आएगा, जब आप जब मिला जाओगे तब आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू 4 ही रखनी है। अरे बात समझ में, स्क्वायर रूट से अगर वैल्यू को बाहर निकालते तो प्लस माइनस में वैल्यू बाहर निकलती है। अरे यहाँ पे अंडर रूट 16 की वैल्यू प्लस 4 मिल चुकी है और -4 हो जाएगा, लेकिन मैं -4 नहीं ले सकता क्योंकि थीटा की वैल्यू नेगेटिव ही होगी जब तक आप 10 क्लास में हो, ठीक है। जब आप जाकर पहुंच जाओगे तो देख लेंगे। अरे समझ में आ गया? हां सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करना है साइन सी कॉस सी टेन सी और टेन ए और कॉस कॉस साइन सी साइन सी सी के सामने परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है? ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4, 4 अपॉन 5, समझ में आया, ठीक है। कॉस सी कॉस के लिए बेस हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन ए सी 3 अपॉन 5, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टेन ए निकाल सकता, अब ध्यान से देखना, क्या निकाल रहे हम? टेन ए ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा और बेस होगा ए बी, आ रही बात समझ में? अरे सबको आ रही है समझ में? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी 3/2, ठीक है बच्चों, नहीं आ समझ में? आगे नेक्स्ट कॉस सी कॉस कॉस ए, कॉस ए के लिए बेटा बेस हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी अपॉन ए बी उसकी वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। चलो एक बार ने लानी छोड़ दी और क्या कर, हाँ ये बात भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला समझ में आ गया? आंसर आ गया देव, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है PQR, PQR ट्रायंगल है, राइट एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल यहाँ पे यदि यदि पी आर रेशो पी थी, पी आर रेशो पी
रेशो फोर है, ठीक है, पी आर रेशो पी क्यू थ्री रेशो फोर है, तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है टेन आर, ठीक है, पी आर रेशो पी क्यू थ्री रेशो फोर है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन आर। देखो इस तरीके को कैसे सॉल्व करें, बेटा पी आर और पी क्यू का रेशियो थ्री रेशियो फोर है, ठीक है, तो हम लोग लेट कर सकते हैं पी आर की वैल्यू थ्री एक्स और पी क्यू की वैल्यू फोर एक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू की वैल्यू कितनी है, टेन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और एक और की वैल्यू कर लेंगे साइन, ठीक है, सम निकाल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल जो क्यू आर का स्क्वायर होगा वो होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, ठीक, पी क्यू वैल्यू कितनी है, पी क्यू फोर एक्स, फोर एक्स, फोर एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, थ्री, ठीक है, अरे समझ में आया, सोलह और सुनने कितना हो गया नौ, ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 एक्स स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25 एक्स स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5, क्या यहाँ तक समझ में आ गया, कोई ऐसा तो नहीं जिसने आया हो, कोई लगाया हो, लगाएंगे ना, लाइफ को नहीं आ रहा, ठीक है, सबको आगे तो नहीं है, अब देखो टेन आर, टेन आर, टेन आर मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर टेन आर के लिए क्या हो जाएगा पी क्यू, और बी इसका हो जाएगा पी आर, समझ में आएगा ना, लाइको पी क्यू अपॉन पी आर, बताओ पी क्यू क्या आपको है, फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, फोर बाय थ्री आ गया, ठीक है, ठीक, और यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, साइन क्यू, क्या निकालना था, साइन क्यू, साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या हो, पी आर, पी आर अपॉन क्यू आर, तो ये होगा आपका पी आर अपॉन क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, पी आर अपॉन फाइव, एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है, यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है, एक वाले में आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर की बेस थी, है ना, या परपेंडिकुलर आप पीछे कोई भी एक वैल्यू दो वैल्यू दे देंगे एक निकाल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर देंगे, दूसरे में क्या तेरा होगा रेशियो गिवन होगा साइड का रेशियो, जब भी साइड का रेशियो गिवन होता है तो उनके साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं वो उसकी वैल्यू हो जाती है, जैसे रेशियो का थ्री रेशियो फोर को थ्री एक्स और फोर एक्स, तो दो मिल गए हम दो, एक साइड हम लोग अपने आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर, अब तीनों साइड मिल गई, अब जो जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे, है ना, समझ में आया, चलो करो फिर टाइप करेंगे, चलो मैं कर लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समस्या पड़ा हम समझते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ठीक है, राइट एंगल है ओ पे, वो आप ध्यान से देखना, ओ पी क्यू एक राइट एंगल है, राइट एंगल है ओ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, अच्छा ओ क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर है, और डिफरेंस है पी क्यू माइनस पी ओ इक्वल्स टू 1, PQ और PO का डिफरेंस कितना है, 1 है, हम लोगों को फाइंड करनी है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन का सोचिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है ओ और ओ क्यू की वैल्यू कितनी, 7 सेंटीमीटर है, PQ और ओ क्यू का डिफरेंस भी बना है हम लोग कितना, 1 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस, ठीक है, ठीक, डबल सॉल्यूशन, इस ट्राइंगल ओ पी क्यू, पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, होगा नहीं होगा,
अच्छा देखो, क्योंकि पी क्यू माइनस ओ पी की वैल्यू वन, पी क्यू माइनस ओ पी की वैल्यू कितनी वन, तो मैं पी क्यू को वन प्लस ओ पी लिख सकता हूँ, पी क्यू को वन प्लस ओ पी लिख सकता हूँ, तो ट्रांसपोज करूंगा पी क्यू को, मुझे प्लेस करके लिखूंगा वन प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, वन प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पी क्यू माइनस ओ पी स्क्वायर, समझ में आया है? ओके हाँ देखो, पी क्यू माइनस ओ पी की वैल्यू वन के इक्वल है, तो यहाँ माइनस में तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर को वन प्लस ओ पी को होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, समझ में आया हो? हाँ चलो देखो, ओपी का स्क्वायर तो ओपी का स्क्वायर कट गया, कट गया नहीं कट गया? हाँ यस सर। हाँ तो क्या हो गया वन प्लस टू ओपी, अच्छा ओपी की वैल्यू कितनी सेवन, सेवन का 40 नाइन, ठीक है हाँ है हाँ हाँ 40 टू ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 बाबा कॉम ये जगह 24, ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 24, अच्छा हाँ ओपी की वैल्यू कितनी हो गई 24। बच्चे यहाँ समझ में आया? हाँ क्या हम लोग यहाँ से पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पी क्यू की जो वैल्यू होगी बेटा वन प्लस ओपी होगी, तो 25 हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी 25, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू होगी आपकी 25, इसकी होगी 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है साइन क्यूब की वैल्यू और कॉस क्यूब की वैल्यू, साइन क्यूब की और कॉस, साइन क्यूब क्यों इधर है परपेंडिकुलर क्या होगा 24, 24 अपॉन 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 अपॉन 20। चलो चलो बेटा, आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल राइट, राइट एंगल राइट, और हम लोगों को वैल्यू की बनना है टेन सी की वैल्यू 3/4, टेन सी की वैल्यू क्या है 3/4, टेन सी की वैल्यू 3/4, ठीक है, हमसे फाइंड करनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, फिर वो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखना बेटा, टेन सी की वैल्यू दी है आपको 3/4, ठीक है, टेन सी का मतलब हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और अभी थोड़ी देर पहले रेशो वाला क्वेश्चन करा, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, ए बी और बी सी का रेशो हो गया 3/4, ए बी और बी सी का रेशो क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं ए बी की वैल्यू 3x और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ए सी की वैल्यू 5 से करेंगे तो क्या जाएगी 5x आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आज के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबमाइन कर सकते हो, फाइव का सम लगाओ तो सो जाएगा, आगे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक से निकाल सकते हो, इसको निकालना और फर्स्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो गए अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट बार, ओके चलो बाय बाय।